प्रदेश के लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाली तीज और कर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर छठ पूजा को सार्वजनिक अवकाशों की सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा मंच के संयोजक नंद किशोर शुक्ल ने राज्य सरकार को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा है कि यह एक सराहनीय कदम है, जनता में इससे खुशी की लहर है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के लिए काम कर रही है, उसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण के लिए भी काम करें, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण तभी संभव है जब भाषा का संरक्षण हो। छत्तीसगढ़ महिला क्रांति सेना ने भी सरकार को इस पहल के लिए बधाई दी है। के काबर की छत्तीसगढ़ के जतेक महिला मन है उमन निर्जला व्रत रखते हैं और छुट्टी के दिन उमन अगर छुट्टी मिला थे सरकार तरफ से तो उमन मायके जाते हैं, तो मायके आ जाए मन निर्जला व्रत रखी दूसरा दिन पारायण करते तो बहुत ही उत्साहवर्धक है सरकार की घोषणा। काहे के छत्तीसगढ़ के चिन्हारी संस्कृति के चिन्हारी आए हरेली, ये कृषि प्रधान राज्य सब किसान घर घर मनाते, वही प्रकार के तीजा हो जितका दाई बहनी मन हवा वो मनाते, तो ये छत्तीसगढ़ की ये दोनों के दोनों त्योहार बहुत घर घर में प्रतिष्ठित हवा, एक छुट्टी दे करके बहुत बड़का काम करे है, एक लिए हम बहुत बहुत बधाई देवा था। वही मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी